तो कुछ साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखाई देता था और आज ऐसा दिखाई देता हूँ। कुछ साल पहले मेरी फिजिक ऐसी थी और आज मेहनत करने के बाद मेरी फिजिक कुछ ऐसी है। एग्जैक्टली 2 साल पहले मेरा बात करने का तरीका, कैमरे को फेस करने का कैसा तरीका था, वो आप मेरे यूट्यूब के इस वाले वीडियो में देख सकते हो। और आज मेरा बात करने का तरीका कुछ ऐसा है। तो इन कुछ सालों में ना मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की हुई है। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश बोलना तो दूर, इंग्लिश बोलने के बारे में सोचने से भी मुझे डर लगता था। और पिछले महीने इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक इंग्लिश सीरीज में व्लॉगिंग की थी पूरे 6 दिनों के लिए। तुम्हें पता है हम टीनेजर्स की प्रॉब्लम क्या है? बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो इसी कांस्टेंट लाइफ में जीना चाहते हैं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत से बच्चे अपनी फिजिक इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन अपनी फिजिक इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिम जाने से शर्माते हैं। बहुत से बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा, इस डर की वजह से वो अपने मन में ही अपनी बातों को कहते रहते हैं और उन थॉट्स को रियलिटी में लेके ही नहीं आ पाते हैं। अच्छा, अब ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस आप मेरे में देख रहे हो, इस कैमरे, इस यूट्यूब वीडियो पे आप मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो देख पा रहे हो, क्या ये कॉन्फिडेंस मेरे में बचपन से ही था? तो ऐसा नहीं है बॉस। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की? क्या मेरा ब्रेकअप हुआ था? क्या किसी लड़की ने मुझे चीट किया था? क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अनसडन मोमेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ? तो जितने भी इन सवालों के जवाब है ना, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इन सवालों के जवाब ना मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू देना चाहूँगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी देना चाहता हूँ कि जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा फनी है और आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है शिवा। अब शिवा एक छोटे से गांव में एक रहने वाला एक आम सा लड़का है। अब शिवा थोड़े सांवले से रंग का था, छोटे से उस चेहरे पे बड़े लंबे लंबे बाल रखे हुए थे उसने। शिवा के अंदर बचपन में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, यानी कि वो उन बच्चों में से था जिसे किसी के साथ बात करने में भी शर्म आती थी, डर लगता था। लेकिन इस शिवा की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये खुद को कभी भी किसी से कम नहीं समझता था। शिवा अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में था, जब कहते हैं ना कि एक ऐसी उम्र होती है जब पता किसी चीज़ के बारे में नहीं होता है लेकिन ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ के बारे में पता है। शिवा उस उम्र में था, यानी कि शिवा 15 साल का था। अब शिवा की अजीब बात ये थी कि शिवा को ऐसा लगता था कि पूरी क्लासरूम का सबसे हैंडसम लड़का वही है, पूरी क्लासरूम में सबसे अच्छा हेयर स्टाइल उसी का है, और शिवा को ऐसा लगता था कि पूरी क्लास में उससे अच्छा ड्रेसिंग सेंस किसी का नहीं है। तो एक दिन की बात है, शिवा अपनी शाम वाली ट्यूशन में पढ़ रहा था और सडनली उसकी मम्मा का उसे कॉल आया और मम्मा ने बड़े ही प्यारे वे में उसे ये चीज़ कही कि मैं कहीं जा रही हूँ और शिवा एक काम करना, जब तुम वापस आओगे तो ये जो घर की चाबी है जो मैं लॉक करके जा रही हूँ तो ये संतोष आंटी के घर से ले लेना। और ये सब बातें सुनने के बाद शिवा ने कॉल कट कर दिया। अब जब शिवा ट्यूशन से वापस आया तो जो उसकी बाइक थी उसने रोड के साइड में पार्किंग वाली जगह पे पार्क की और जो चाबी थी बाइक की उसने अपनी जीन्स के लेफ्ट वाले पॉकेट में रख दी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, शिवा एक ऐसी उम्र में था जहां लड़कियों से अट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि रिसेंटली जवान हुए होते हैं। तो जैसा कि शिवा की मम्मा ने कहा था कि संतोष आंटी के घर से चाबी ले लेना, तो कुछ दूर उस घर के पहुँचने के बाद शिवा ने एक बहुत सी स्ट्रेंज और खुशी देने वाली चीज़ को नोटिस किया। उसने देखा कि संतोष आंटी के जो घर का दरवाजा है उसके बिल्कुल सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। और एक सेकंड में ही शिवा ये चीज़ के बारे में जान गया था कि ये जो लड़की है तो ये संतोष आंटी की जो राजस्थान वाली बहन है उसकी लड़की है। अब एक शिवा के दिमाग में भी ये ख्याल आया कि अगर मैं जा ही रहा हूँ संतोष आंटी के घर पर तो थोड़े स्टड वे में बन के जाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड लेके जाएंगे। तो शिवा उनके घर से पहुंचने से थोड़ी सी पहले क्या करता है, अपनी लेफ्ट वाली जेब में जो उसने चाबी रखी हुई होती है बाइक की और उसे चाबी को निकालता है और उस चाबी को अपनी 2 उंगलियों के बीच में फंसा के ऐसे ऐसे घुमाने लगता है और संतोष आंटी के घर के पास जाने लगता है। तो जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचता है तो उस दरवाजे पे जाके नॉक करता है। नॉक 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 नॉक। एग्जैक्टली 10 सेकंड के बाद दरवाजा खुलता है और संतोष आंटी उसे कहती है कि शिवा आओ, आपकी मम्मा ने अंदर चाबी रखी हुई है, आके जूस पी लो। अब मन ही मन शिवा भी मुस्कुरा रहा था कि उसे अंदर जाने का मौका मिलेगा ताकि उस लड़की को वो देख सके। तो दरवाजा खुलते ही शिवा उस घर में एंटर करता है और जो सामने वाली लॉबी वाला एरिया होता है वहां पर एक सिंगल सा बेड लगा हुआ होता है, शिवा उसके ऊपर जाके बैठता है और वो जो लड़की होती है वो भी शिवा के सामने ही बैठी होती है। शिवा को देखने के बाद वो लड़की मुस्कुराने लगती है और शिवा मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। इतनी देर वो बातें कर ही रहे होते हैं तो संतोष आंटी अंदर से एक काजू और बादाम वाली ट्रे और एक ऑरेंज जूस का गिलास लेकर आती है।
शिवा मन ही मन में बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसे ये चीज लगती है कि शायद उसने इस लड़की को इम्प्रेस कर दिया है कहीं ना कहीं पर अपने लुक्स के थ्रू, अपने हेयर स्टाइल के थ्रू, अपने कपड़े पहनने के स्टाइल के थ्रू। जूस पीने के बाद और बादाम खाने के बाद शिवा उठता है और संतोष आंटी के पांव को हाथ लगाकर और उनका आशीर्वाद लेकर कहता है कि अब मैं चलता हूँ। तो शिवा के घर की जो चाबी होती है तो वो सामने वाले टेबल पर पड़ी हुई होती है। तो जैसे ही शिवा उस चाबी को उठाता है और वापस जाने लगता है तो वो जो लड़की होती है वो बड़े ही धीमी आवाज से अपने मुंह से शिवा कहती है। अब शिवा को ये चीज लगती है कि उसने उसे बुलाया, लेकिन वो लड़की एक्चुअली में संतोष आंटी से बात कर रही होती है। शिवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि जिस लड़की को वो इंप्रेस करने के लिए आया था शायद से वो लड़की इंप्रेस हो चुकी है और वो संतोष आंटी से उसके बारे में कुछ बात कर रही है। लेकिन एक ही सेकंड में शिवा के वो सारे सपने चूरो चूर हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की संतोष आंटी से ये चीज कहती है कि इसकी शक्ल को क्या हो गया है, ये कितना अजीब लगता है। बिना पीछे देखे हुए वो शिवा उस घर के दरवाजे को खोलता है और भाग कर अपने घर की तरफ जाता है और अपने चाबी से अपने घर के दरवाजे को खोलकर अपने आप को उस कमरे में लॉक कर लेता है और ये एक इंसिडेंट शिवा की पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। उस लड़की का ये कॉमेंट करना शिवा को ये चीज रियलाइज करवाता है कि शिवा को खुद पर काम करना पड़ेगा। अब क्या ये शिवा की कहानी असलियत में एक सच्ची कहानी है और क्या असलियत में शिवा नाम का कोई लड़का भी है या फिर नहीं, अब इस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस फनी सी स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनो और समझो कि इस स्टोरी का मॉरल क्या था। अब इस कहानी को सुनाने के बाद मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा और वो ये चीज़ है कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच्ची थी या फिर एक बनी बनाई झूठी कहानी थी, कॉमेंट में करके ज़रूर बताना। टिल देन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।